हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित शर्मा है और आज मैं आपको बताऊंगा कि उत्तराखंड के अंदर कौन लोग जो आउटसाइड उत्तराखंड है वो कौन लोग कितनी लैंड ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं उत्तराखंड की जो एक्ट्स हैं वो उसके बारे में बताऊंगा। तो जो उत्तराखंड एक्ट 2003 है वो उत्तर प्रदेश जमींदारी एबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 है और उसी के अंदर ही अमेंडमेंट किया गया था 2003 के अंदर। तो ये जो है अमेंडमेंट एक्ट 2003 जो है वो ये बन जाता है जिसके अंदर 5 क्लास है। तो मेन जो अगर जो बात करें लैंड्स की, तो उत्तराखंड में एक तो बिल्डअप प्रॉपर्टी होगी, एक म्यूनिसिपल एरिया की प्रॉपर्टी होगी, दूसरी आपकी एक एग्रीकल्चर लैंड होगी जो कि कन्वर्टेड है 143 में, और फिर उसके बाद है सिंपल एग्रीकल्चर लैंड। तो बिल्डअप प्रॉपर्टी कोई भी व्यक्ति कितनी भी ले सकता है, उसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यदि दूसरी बात म्यूनिसिपल एरिया के अंदर कोई प्रॉपर्टी लेगा वो भी इसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है म्यूनिसिपल के अंदर कि कितनी मर्जी भी ले सकता है। तीसरा है एग्रीकल्चर लैंड, इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन आती है कि आप कितनी प्रॉपर्टी इसके अंदर ले सकते हैं, और फिर उसके बाद है सिंपल एग्रीकल्चर लैंड। तो इसके अंदर जो है 5 क्लास है, 5 क्लास में जो है मीन्स वो लैंड जो म्यूनिसिपल में है वो आप कितनी मर्जी लैंड उसको ले सकते हैं, और जो लैंड जो है जो व्यक्ति 12/9/2003 से पहले जिसके पास भी उत्तराखंड के अंदर प्रॉपर्टी है वो व्यक्ति कितनी भी प्रॉपर्टी ले सकता है, ठीक है, क्योंकि उत्तराखंड जो बना था वो इसी डेट पे बना था। उसके बाद जो रूल है बात करते हैं कि कितनी लैंड आउटसाइडर जो है वो कितनी लैंड इसमें ले सकता है। तो आउटसाइडर के लिए जो है बात करते हैं 4th क्लास के अंदर जो लैंड है नॉट एक्सीड 500 स्क्वायर मीटर, लेकिन अभी जो है ये 500 से 250 स्क्वायर मीटर हो चुका है, मींस लाइफ टाइम विदाउट एनी परमिशन आप 250 स्क्वायर मीटर लैंड ले सकते हैं अंडर सेक्शन 129 के अकॉर्डिंग। अब इसमें जो है तीसरी जो चीज आती है कि यदि कोई व्यक्ति बाहर का आउटसाइड व्यक्ति लैंड लेना चाह रहा है और 250 स्क्वायर मीटर से ज्यादा लैंड लेना चाह रहा है, तो जो जो क्लास आएंगे उसके अंदर क्या क्या नॉर्म्स आते हैं तो वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन लोग क्या क्या चीजें ले सकते हैं। ए पर्सन सोसाइटी और कॉर्पोरेट बॉडी में परचेज लैंड फॉर द फॉलोइंग पर्पस अदर देन दोज फॉर एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर पर्पस विद द प्रायर सेंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इन द स्टेट ऑफ उत्तरांचल एज मे बी प्रिस्क्राइब। मीन्स यदि कोई व्यक्ति 250 स्क्वायर मीटर से ज्यादा लैंड लेना चाह रहा है तो उसको प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट से, और उसको अपनी एक डीपीआर बनेगी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जिसके अंदर मेंशन करना होगा कि वो व्यक्ति किस लिए इस लैंड को ले रहा है। मैक्सिमम आप 8 एकड़ लैंड ले सकते हैं इसके अंदर भी, जैसे कि आप मेडिकल और हेल्थ पर्पज के लिए आप लेंगे, या कोई प्रोजेक्ट है आपका, कोई होटल लॉज गेस्ट हाउस रेस्टोरेंट बार स्पा या कोई रिजोर्ट आप बनाना चाहते हैं, तो ये टूरिज्म पॉलिसी के एक्ट के अंदर में ये सब चीजें आएंगी, या आप एजुकेशन पर्पस के लिए ये लैंड जो है लेना चाह रहे हैं तो वो सारे पर्पस हैं। इन पर्पस के अकॉर्डिंग आप इस लैंड को, यदि आप 250 स्क्वायर मीटर से ज्यादा लैंड लेना चाह रहे हैं और इस कैटेगरी में आप कोई चीज डेवलप करना चाह रहे हैं तो आप ज्यादा लैंड ले सकते हैं, लेकिन इसकी परमिशन हमें गवर्नमेंट से लेनी पड़ेगी। इट मीन्स यदि आप आउटसाइड उत्तराखंड है तो आप नॉर्मल 250 स्क्वायर मीटर लैंड ले सकते हैं। कौन सी लैंड? एग्रीकल्चर लैंड। यदि आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो इसके लिए आपको प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट बॉडी से, और यदि आप लैंड ऐसी जगह ले रहे हैं जो म्यूनिसिपल कमेटी के अंदर आएगी तो वहां आप कितनी मर्जी ले सकते हैं, और बिल्डअप प्रॉपर्टी भी आप कितनी मर्जी ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो मैंने आपको ये सब चीजें बताई, आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर जो ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको शेयर भी करें जिससे सभी लोग इसको समझ पाएं, सब्सक्राइब भी करें चैनल को और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। थैंक यू।